आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा चतुर्थी विषय हिंदी पाठ 10 प्रथम परीक्षण, जो हिंदी रचना में किताब के प्रथम परीक्षण दिया हुआ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो क्रमांक 14 प्रश्न 1, जैसे कुछ वर्ण होते हैं वह वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कुछ वर्ण दिए हुए हैं आई औ य व ज्ञ, ज्ञ को हम बोलचाल करके औ बनता है, य कैसे बना, ई धन अ मिला करके य बना, व कैसे बना, ऊ धन अ मिला करके व बना, ज्ञ कैसे बना, ज धन य धन अ, इन तीनों को मिला करके ज्ञ बना जाता है जिसको हम ज्ञ बोलते हैं। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न आता है कौन सा वर्ण बनेगा, यानी कि कुछ स्वर दिए हुए हैं और उससे कौन सा व्यंजन बनेगा, या व्यंजन दिया हुआ है उससे कौन सा स्वर बनेगा, ऐसे प्रश्न है। जैसे कौन सा वर्ण बनेगा, जैसे दिया हुआ है क हलन धन विसर धन अ बराबर ख, इसी तरीके से च धन विसर धन अ बराबर छ, ट धन विसर धन अ बराबर ठ, त धन विसर धन अ बराबर थ, प धन विसर धन अ बराबर ठ। इसी तरीके से ये वर्ण कैसे बने हैं, इसी तरीके से और वर्ण है उन वर्णों का निर्माण कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें दिए हुए घ झ ढ ध भ। जैसे घ, घ कैसे बना, ग धन विसर धन प बराबर घ बना। इसी तरीके से झ कैसे बना, ज धन विसर धन प बराबर झ। इसी तरह ढ कैसे बना, ड धन विसर धन प बराबर ढ। इसी तरह ध कैसे बनता है, द धन विसर्ग धन अ, इसी तरह भ कैसे बनता है, ब धन विसर्ग धन अ। हिंदी भाषा में भी मूल स्वर होते हैं, है ना, मूल ध्वनियाँ होती हैं, मूल ध्वनियों को मिला करके ऐसे वर्ण बनाए जाते हैं। इस प्रकार हम और भी जो वर्णमाला में जो अक्षर है उसको मिला करके कुछ और वर्ण बना सकते हैं। अभी तक हमने ये जितने सारे वर्ण बने हैं उसको हमने देखा, इनको समझना। प्रश्न 4, निम्न वर्णों में अंतर प्रकट करने के लिए प्रत्येक के दो उदाहरण, जो वर्ण दिए हुए इन वर्णों को अंतर से बताना है। जैसे दो तो अपने व्यंजन में आते हैं ड और ढ, ड और ढ ये व्यंजन में आते हैं ट वर्ण में, तो ड और ढ जो निश्चित बिंदु लगे होते हैं वह अन्य व्यंजन में आते हैं। तो इन जो वर्ण लिखे हुए इनके दो दो शब्द लिखते हैं, जैसे ड तो पहला है बंडल और डकारना, इसमें नीचे बिंदी नहीं होती है, बिना बिंदी का होता है ट वर्ण, ट वर्ण वाला, इसमें कढ़ाई कपड़ा और ये अन्य व्यंजन आता है ड, इसके दो शब्द है कढ़ाई कपड़ा। इसी तरह ढ जो ट वर्ण का आता है ढक्कन ढुल ढुल, इसी तरह ढ जो अन्य व्यंजन आता है पढ़ाई ढूंढना, इसलिए ये ढ इनमें अंतर बताया गया है। 5वां प्रश्न, अनुस्वार और अर्धानुस्वार के पांच पांच शब्द लिखते हैं। अनुस्वार वह होता है जो शिव रेखा के ऊपर लगता है और बोलचाल की भाषा में से बिंदी कहा जाता है, और फिर है अर्धानुस्वार, अर्धानुस्वार यानी शिव रेखा और उसके ऊपर चंद्रबिंदु लगता है जिसको अर्धानुस्वार कहता है, चंद्रानुस्वार चंद्रबिंदु को बोलचाल की भाषा में कहते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार है इसके पांच शब्द है, जैसे पंकज मयंक गंगा कंगा मंच और भी कुछ शब्द होते हैं, जैसे अंक है ना, वंश संत संत, ऐसे खूब सारे हैं जो अनुस्वार है, बिंदी लगाए हुए शब्द होते हैं। अर्धानुस्वार यानी चंद्रबिंदु के शब्द, माँ चांद पांच ऊंट झांच सांच है ना आंत, ऐसे कई शब्द होते हैं जो चंद्रबिंदु लगे हुए होते हैं। फिर है छठा विसर्ग तथा हलंत युक्त दो दो शब्द,
इसके विसर्ग और अनंत्य, पहले आपने पाठ में पढ़ाया था स्वर वाले, उस स्वर व्यंजन में आपने देखा था विसर्ग और अनंत ऐसे भी दो है जिसके शब्द लिखते हैं। जैसे विसर्ग, विसर्ग लगे हुआ शब्द होता है जैसे प्रातः काल दुख, और विसर्ग होता है नमा छ जिसके आगे विसर्ग लगता है। हलन, हलन में शब्द है जैसे महान परम, इसमें हलन में शब्द होता है। ऐसे भी खूब सारे अलंत के शब्द हैं जो आप लिख सकते हैं। अब है सातवां प्रश्न, संज्ञा पदों को छांट कर नीचे लिखिए। एक आपको ऐसे सोपान लिखा हुआ मिलेगा, इस सोपान में से जो संज्ञा पद है व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाषा स्वभाववाचक, उन संज्ञा शब्दों को लिखना है नीचे अलग से। तो सोपान क्या है? गीता हमारी पवित्र पुस्तक है, इसमें व्यक्ति के लिए मुक्ति का सुगम मार्ग बताया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए बताया कि बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करने वाले व्यक्ति को सदगति प्राप्त होती है। अतः बचपन से बुढ़ापे तक निरंतर हमें कर्तव्य मार्ग पर बढ़ते रहना चाहिए। इसी में जीवन की सार्थकता है, इसी में जीवन की सुंदरता है। ये आप सोपान दिया हुआ है, इस सोपान के अंदर संज्ञा पद को छाट कर लिखना है। संज्ञा पता है आपको, पहले पढ़ा है, ये तो वापस आपके प्रथम परीक्षण में आया है। संज्ञा व्यक्ति वस्तु स्थान जाति गुण दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। तो ऐसे शब्द जो आए हैं इसमें वो व्यक्तिवाचक जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं के शब्दों को लिखना है। जैसे गीता हमारी पवित्र पुस्तक है, इसमें गीता ये संज्ञा हो गई, है ना, व्यक्तिवाचक, पवित्र ये पवित्र भाव हो गया, है ना, वस्तु हो गई गीता वस्तु, पवित्र पुस्तक, पुस्तक भी संज्ञा हो गई। इसमें फिर संज्ञा पद कौन से है? व्यक्ति, मुक्ति, सुगम मार्ग, श्री कृष्ण, फल, कर्तव्य, सदगति, बचपन, बुढ़ापे, जीवन, सार्थकता, सुंदरता, ऐसे कई सोपान भी लिख करके आप उसमें संज्ञा पदों को लिख सकते हैं। इस तरीके से ये जो आज हमारा ये वीडियो क्रमांक 14 था, वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये संज्ञा शब्द कैसे है, इस प्रथम परीक्षण के 7 प्रश्न हैं। इस 7 प्रश्नों को आप कक्षा कार्य